दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। अगर आप लोग गुजरात में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जेटको का रिक्रूटमेंट 2021 का अनाउंस हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम जेटको बोलते हैं, इसने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और ये जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है क्या है ये रिक्रूटमेंट, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए जेटको गुजरात .com इसकी वेबसाइट है, आप लोग विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, जेटको गुजरात इसकी वेबसाइट है, आप लोग वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये जो आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी जेटको है, जिसे हम कहते हैं गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की यहाँ भर्तियाँ हैं विद्युत सहायक की, और 353 यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं, 353 यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं, जो कि कम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स, 18 जून से आप लोग आवेदन कर सकते हैं 8 जुलाई तक। तो 8 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की 8 जुलाई है। 18 जून से लेकर 8 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो लिंक मैं इसका आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जब ये 8 जुलाई को एक्टिव हो जाएगा। तो अभी तो 18 जून को मैं आपको लिंक दे दूंगा, जब आपका एप्लीकेशन लिंक चालू हो जाएगा तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट इसे अप्लाई करने की 8 जुलाई है। यहाँ पे आपकी ये गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, ऑनलाइन इसका मोड रहेगा, मोड ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, इसका एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, CBT जैसे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और गुजरात आपकी जॉब लोकेशन आएगी, क्योंकि गुजरात की जो वैकेंसीज है। ठीक है, gatko gujarat.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, इसकी ऑफिशियल रिलीज जो हुआ था ये 10 जून को हुआ है, तो 10 जून को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है आपका 18 जून से लेकर आप 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट अभी नहीं बताई गई है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट कब तक होगी, पर अप्रॉक्सीमेटली सेप्टेम्बर अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने PDF में दे रखा है, उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है जूनियर इंजीनियर का, ये सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हो रहा है, तो आपको इसको ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल 352 वैकेंसीज हैं। अब मैं आपको थोड़ा वैकेंसी इसके डिटेल्स में बताता हूँ कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी 300 वैकेंसीज हैं। अगर आप जो विद्युत सहायक होता है जूनियर इंजीनियर अभियंता, उसके लिए 300 यहाँ पे वैकेंसीज़ है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, बिजली विभाग में। अगर सिविल की बात करें तो आपकी जो है सिविल की केवल 52 वैकेंसीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीधे, अगर इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर आप बनना चाहते हैं तो 300 यहाँ वैकेंसीज़ है, 300, और 52 यहाँ पे आपकी सिविल इंजीनियर के लिए 52। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल यहाँ पे 352 टोटल वैकेंसीज़ आपकी हो गई। अब आप लोगों को यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना जरूरी है कि क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी एक फैसिलिटी करी है कि इन्होंने बीटेक वालों को यहाँ पे चांस दे रहा है, कि बहुत सी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसमें कि जूनियर इंजीनियर में बीटेक वालों को अलाउ नहीं करते, तो यहाँ पे इन्होंने बीटेक वाला मांगा है, फुल टाइम ग्रेजुएशन मांगा है। ठीक है, बी या तो बैचलर इंजीनियरिंग आपने करी हो, या फिर बीटेक करी हो, ठीक है, या आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल प्लस अलाइड ब्रांचेस जो होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो बीटेक या बीई आपके पास डिग्री हो, उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपके हो। ठीक है, 55% एग्रीगेट मार्क्स आपके हों, और वो भी आपके मार्क्स मांगे गए हैं दोस्तों 7वें और 8वें सेमेस्टर में। ठीक है, आपको ये निकाल लेना है, जो 7वें और 8वें सेमेस्टर की मार्क्स होते हैं उसको टोटल करके देख लीजिएगा, मार्कशीट जो होती है उसमें आपके मार्क्स जो बनेंगे एग्रीगेट वो 55% से ज़्यादा होने चाहिए, जो कि बन ही जाते हैं, क्योंकि इंटरनल काफ़ी अच्छे मिलते हैं आपके फाइनल ईयर में बीटेक के और बीई की। तो सिविल जूनियर इंजीनियर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी यही सेम कंडीशन रखी गई है, तो बी जो है फुल टाइम ग्रेजुएशन मांगा गया है। ध्यान रखिए, कोई भी डिप्लोमा वाला यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आपका जो वैकेंसीज है बीटेक वालों के लिए है। ठीक है, बीटेक सिविल या बी सिविल होना चाहिए, और 55% मार्क्स उसको होने चाहिए 7वें और 8वें सेम में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दोस्तों 35 रखी गई है, और अपनी जो रिजर्वेशन होते हैं, रिजर्वेशन आपका EWS SC ST और SC BC EWS वालों के लिए 40 ईयर तक। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहाँ पे EWS वालों को भी आपका जो है 40 ईयर तक रखा गया है, 35 ईयर तक तो सबके लिए है कि आप 35 ईयर तक आप एज तो आप भर सकते हैं। उसके बाद 40 ईयर का जो रिजर्वेशन रखा गया है SC ST SC BC EWS वालों के लिए रखा गया है। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग आपके जो एज रिलैक्सेशन फीमेल्स की है, फीमेल्स के लिए भी यहाँ 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, लगभग 40 साल का। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे फीमेल को ही मिला रखा है, फीमेल कैंडिडेट को।
PWD की बात करें, जो PWD वाले वाले बच्चे होते हैं उनके लिए 10 साल का है, और यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन जो डिपेंडेंट है रिटायरमेंट एम्प्लॉय जेटको के, उनके लिए 40 साल तक रखा है, उनके लिए भी 40 साल तक रखा है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 35 ईयर तो सबके लिए ही रखा, UR के लिए रखा गया है जो सामान्य वर्ग के हैं, बाकी जितने भी रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए 40 साल तक रखा गया है, ठीक है। केवल PWD को छोड़ के उनके 45 साल तक रखा गया है। यहाँ पे स्टेप कैसे अप्लाई करना, देखिए यहाँ पर getcogujarat.com की वेबसाइट में जाना, मैंने लिंक दे दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। जब भी एक्टिवेट होगा आप लोग उसमें जाकर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपका कैसे आपको करना, लेटेस्ट आप देखेंगे जेटको का, वहाँ पे जब इसी वेबसाइट में जाओगे आप तो दिख जाएगा कि इनवाइट करे जाएंगे, वहाँ पे जेटको का नोटिफिकेशन होगा कि आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो उस पर क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा, उस पेज को आप खोलोगे तो एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म को खोलने पर आपको उसमें सारी डिटेल्स भरनी है, डिटेल्स क्या, एप्लीकेशन फॉर्म, और उसमें आपको पे करनी है फीस, ठीक है। फाइनली सबमिट करना है लास्ट डेट से पहले, ठीक है। लास्ट डेट आपको पता है 18 जुलाई है, तो आप लोग पहले ही से भर लीजिएगा, 18 जुलाई आप लोग दे सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों आपको जो होगी आप DD के द्वारा कर सकते हैं, चेक के द्वारा कर सकते हैं, पोस्टल कोड और ऑर्डर कैश के द्वारा आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो है ऑनलाइन रखा गया, केवल और केवल ऑनलाइन आप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा DD डिमांड ड्राफ्ट मनी ऑर्डर चेक पोस्टल ऑर्डर कैश नहीं चलेगा, केवल और केवल ऑनलाइन या तो पेटीएम से, जैसा भी आप करना चाहें, ठीक है। आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, आप वॉलेट से भी कर सकते हैं, तो आपकी जो भी आपको सुटेबल लगता है, UPI से कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ पे जो UR और SCBC और EWS की 500 फीस है, ध्यान देखिए दोबारा बता रहा हूँ, UR और SCBC EWS की 500 फी है, ST वालों के लिए 250 रुपया, तो 250 यहाँ पे कम रखे गए उनके लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देखिए, जेटको का ये JEE का एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, और यहाँ पे 2021 का है, ये आपको अप्लाई करना विद इन 21 डे स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक जो होगा आपका एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर अप्लाई कर दें, लिंक आपका एक्टिवेट 18 जून से होगा, तो यहाँ पे सीधे तौर पे दिया गया है 18 जून से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। सैलरी के बारे में आपको बता देता हूँ, देखिए सैलरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी दोस्तों, यहाँ पे जो सैलरी आपकी बनेगी फिक्स रेमुनेशन पर मंथ आपको मिलेगी, फिक्स सैलरी मिलेगी। तो कितना मिलेगा देखिए, यहाँ पे जो एक साल तक है आपको, एक साल तक तो आपको 37,000 पर मंथ मिलते रहेंगे, दूसरे साल तक आपको देखिए यहाँ पे, पहले साल तक तो आपको 37,000 तक मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर दूसरे साल जब हो जाएंगे, दूसरा साल जब आपको हो जाएगा तो 2,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, जिसमें आपको 39,000 पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। इसे तीन साल में फिक्स आपका ये जो सारी सैलरी है 39,000 ही रहेगी, ठीक है दोस्तों, ये फिक्स पे रहेगा, तो इतनी आपकी 5 साल तक आपकी रहेगी। तो ये आपकी पूरी जॉब नोटिफिकेशन के बारे में है, और मैंने इसका जो भी इंपॉर्टेंट लिंक थे सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको कोई मिस ना हो सके, जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो सके, और एग्जाम ब्रो को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।